तो आपने पीआर बिल्कुल फ्री ले ली ना एक तरह से ना, कोई पैसा किसी एजेंट को नहीं पे किया, ऊपर वाले की मेहर थी ना, बाबे की कृपा थी। इतने पैसे रफली बन जाते हैं महीने, बी ऑनेस्ट, ओवर टाइम करने के बाद $7,000 बन जाते हैं आराम से महीने के। तो हाँ 500 का बिल भी है, $6,500 तो रफली आप इंडिया 3-4 लाख महीना भेज ही देते होगे आराम से ना। बहुत सारे इंडियन लड़कियों ने मुझे कहा कि जब भी आप न्यूजीलैंड जाएं तो वहां पर जाकर जरूर देखें कोई डिलीवरी बॉय लड़का मिल जाए, जो कोरियर बॉय मिल जाए, और उनसे पूछिए जरूर कितना पैसा बनता है। गाइस ये है न्यूजीलैंड, है न्यूजीलैंड मेरी जान, जहां पर मैं आपके लिए 13 लाख खर्च कर एक टूटे हुए नाकों से लोग से इंटरव्यू ले रहा हूँ, और वेलकम करूँगा आज एक लड़के को जो बहुत ही छोटी एज का है और यहाँ पर वो पीआर भी ले गया है। और जो लोग बोलते हैं ड्राइवर की जॉब या फ्रेशर को जॉब नहीं मिलती है, उनके मुंह पर एक तमाचा है, ये लड़का बताएगा ये कोरियर ड्राइवर की जॉब कर कितना पैसा बनाता है। और ये लड़का आपके इंडिया से है और इसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, और इसने यहाँ पर न्यूजीलैंड में बहुत लोगों की लाइफ बनते देखा। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि 2021 में पेपर खोल दिया गया रेजिडेंस परमिट और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पीआर ले गए थे, और आज ये लड़का एक गरीब माँ का बेटा जिसका एक्सपीरियंस जीरो था लाखों कमा रहा है। वेलकम करते हैं मेरे शो पर, गाइस आपने वीडियो को लाइक और कमेंट करना है, और आपने मेरे साथ फ्री यूएसए जाना, जो आदमी लाइक और कमेंट करेगा वो मेरे साथ यूएसए नेक्स्ट ट्रिप पे जरूर जाएगा। चलिए वेलकम करते हैं शो पर एक नए लड़के को। सर आपका नाम क्या है? प्रभजोत। आप कहाँ से? इंडिया से। कहाँ से हो? बॉम्बे से। प्रभजोत आपको न्यूजीलैंड आए कितने साल हो गए, और न्यूजीलैंड किस वीज़ा पर आए थे आप? 2017 में आए थे। किस बेस पर आए थे? स्टडी वीज़ा पर आए थे। तो कौन सा कोर्स करने आए थे तब उस टाइम? हॉस्पिटैलिटी। कितने साल का कोर्स था? मैंने किया 2 साल। और क्या फीस थी उसकी? $15,000। रफली $15,000 कितने पाउंड के बनते हैं इंडिया में? कितने बनते हैं पैसे? 7 लाख। फीस। और कितने देर की फीस भरकर आए थे इंडिया से आप? 30 लाख। ओके। पर आपने शुरू में तो 1 साल की पे की होगी ना जब इंडिया से है, एक तो फीस आपने यही निकाली होगी ना, स्टूडेंट निकालते हैं, मतलब कि आप टोटल 10-12 लाख की इन्वेस्टमेंट थी उस टाइम ना, है ना? 10-12। पॉइंट नोट के सर ये देखो, ये न्यूजीलैंड मेरी जान, ये गुरुद्वारा साहब के साथ बैठ लड़का बाहर खड़ा है और इसके काम भी है, तो 10-12 लाख इसकी इन्वेस्टमेंट थी, और ये 2017 में आए थे। तो स्टडी आपने कंप्लीट की टाइम पर? हाँ जी। तो स्टडी करने के बाद आपने वर्क वीज़ा कैसे कन्वर्ट किया? जैसे स्टडी खत्म होती है तो वर्क वीज़ा खुद डालना पड़ता है। क्या प्रोसीजर उसको बताएं पब्लिक को भी जानें? इसके लिए जॉब नहीं चाहिए आपको? जॉब ऑफर नहीं चाहिए इसके लिए? अच्छा, अच्छा 3 साल मिल जाता। अभी भी ऐसा रूल सेम है? अभी भी है, अभी तक बाकी आगे पता नहीं। पॉइंट नोट, पर न्यूजीलैंड में लड़का बता रहा है कि स्टडी कंप्लीट होने के बाद 2 साल कोर्स करना, आपको जॉब नहीं चाहिए, इसको ओपन वर्क परमिट कहते हैं, आपको 3 साल मिल। आपने 3 साल का लिया, अभी आपका कंप्लीट हो गया होगा 3 साल का ना, उसके बाद पीआर की फाइल कब डालते हो, जैसे इनडेफिनेट लीव टू रिमेन कब डालते हो फाइल को? वन ऑफ परमिट वीज़ा क्या होता है, पब्लिक को पता बताएंगे थोड़ा सा? ओके। स्किल वीज़ा। तो आपने कौन सी कैटेगरी में डाला था? अच्छा, अगर आप 3 साल आपको पीआर मिल जाती है ओके, अब स्किल पर रह गया होगा ना, स्किल वर्कर पे। पॉइंट नोट कीजिए, लड़के ने डाला था 3 साल के बेस पर पीआर की फाइल डाली, रिजल्ट आ गया अभी पीआर का? अभी आपका होगी तो पासवर्ड 1 साल में मिल जाता है, जैसे इंग्लैंड में मिलता है कि पासवर्ड 5 साल बाद मिलेगा पासवर्ड। उसे टेस्ट देना पड़ता है, न्यूजीलैंड के लैंग्वेज टेस्ट कुछ देना पड़ता है यूके ना, कुछ नहीं बस। वाओ लवली। तो आपने पीआर बिल्कुल फ्री ले ली ना एक तरह से ना, कोई पैसा किसी एजेंट को नहीं पे किया, ऊपर वाले की मेहर थी ना, बाबे की कृपा थी। तो चलो ये तो हो गया वीज़ा, बधाई दो सर को। गाइस वीडियो को दिल खोल के लाइक और कमेंट कीजिए। देखो बारिश पड़ रही है, लड़का अपना काम रोक कर खड़ा है, और ये गुरुद्वारा साहब है, ये गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल बाहर खड़ा है। तो वीडियो को लाइक और कमेंट तो कीजिए, और अपनी फ्री एंट्री नेक्स्ट यूएसए ट्रिप में मेरे डालिएगा। सर ये तो हो गया कि आपके पीआर, अब बताओ जो बच्चे यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, आपको 20 आवर अलाउड है यूके में है, तो आपको यहाँ पार्ट टाइम जॉब इजीली मिल जाए स्टूडेंट्स को? जब आए थे स्टूडेंट्स कौन कौन जॉब करते, डिलीवरी बॉय की जॉब, कौन कौन जॉब यहाँ पर इजीली स्टूडेंट्स को मिल जाती हैं? सिक्योरिटी गार्ड, शाबाश, स्टोर में लग जाओ, वारंटी कर लो, वारंटी कर लो, कोई डिश वॉशर वेटर बन जाओ, है ना? क्या आपके एक्सपेंसिव निकल गए थे यहाँ पर, एक्सपेंसिव खर्चा?
ठीक हो गया। तो कितना रूम रेंट, आप लड़कों के साथ रहते होंगे ना, लड़के शेयर करते हो, कितना रूम रेंट है यहाँ पर रफली अगर एवरेज शेयरिंग में हो तो? $150 मंथली है, और खाने पीने का वीकली तो नियरली 600 गया। अपना रूम है कि शेयरिंग रूम है ये 150 अपना? अगर शेयरिंग में रहते देते हो जो बच्चे नए नए आएंगे, ओके वन पॉइंट हो गया, जो लड़के शेयरिंग में रहेंगे उनका $100 है न्यूजीलैंड का पर वीक, मतलब $400 उनका रेंट ही होगा। और ये अच्छा एरिया है और न्यूजीलैंड काफ़ी ब्यूटीफुल, आप देख सकते हैं। खाना पीने का खर्चा और बिल्स कितने पड़ते हैं इसके अलावा? डिपेंड करता है कैसे ओनर आपका टेंट कैसे दिए उनको, ओके डिपेंड करता है, तो कुछ लोग इंक्लूड करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं, ओके। तो रेंट नोट के $400 रेंट है और $100 आप लगा लीजिए बिल्स और उसके ट्रांसपोर्ट के। पर सर कह रहे हैं कि मेरा लैंडलॉर्ड ने मुझे फ्री दिया, डिपेंड करता है लैंडलॉर्ड कैसा है। आप कौन सी जॉब कर रहे हो इस टाइम? कोरियर, खुद लिमिटेड कंपनी खोली होगी। ड्राइविंग का काम, डिलीवरी ड्राइवर का काम करते हैं, कितने पैसे रफली बन जाते हैं महीने, बी ऑनेस्ट, ओवर टाइम करने के बाद? $7,000 बन जाते हैं आराम से महीने के। तो हाँ, 500 अगर बिल भी है, 6,500 न्यूजीलैंड डॉलर, तो रफली आप इंडिया 3-4 लाख महीना भेज ही देते होगे आराम से ना। अगर किसी जॉब अप्लाई करनी है तो उसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे वेबसाइट लिंक्डइन होती है ना, तो उसके लिए CV कवर लेटर बनाना पड़ेगा न्यूजीलैंड स्टाइल का। तो ये तो क्या आपकी सैलरी भी होगी, आप कोरियर में ऐसे कोरियर ड्राइवर काम भी करते हैं। अब बताओ, जो रिकवरी वीज़ा निकला पड़ा बहुत सारा, अभी साइक्लोन आया तो लोग बहुत देखे अपने गुरुद्वारा में, तो रिकवरी वीज़ा में लोग, आपने किसी दोस्त को देखा है आप रिकवरी वीज़ा पर आए हुए? मैंने बहुत लोग को देखा है, नहीं? और जो टूरिस्ट वीज़ा वर्क वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर, हो जाता है ईजिली कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इंडिया लास्ट टाइम कब गए थे, अब कब जा रहे हो? प्रॉब जो लाइक है ना, प्रॉब जो बहुत अच्छा लड़का, प्रॉब जो जॉब पर जा रहे हैं ना, मेरे लिए रुके हुए ना, प्रॉब जो लाइक करना, प्रॉब जो बहुत अच्छा लड़का, प्रॉब जो कहना टूरिज्म वर्क वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है, रिकवरी वीज़ा इसको लड़का अभी नहीं मिला है, पर $7,000 कमाता है। और उसके कोरियर की जॉब अप्लाई करनी थी, ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ ना ही मैं कोई वकील हूँ। गाइस, आप न्यूज़ बिंदास होकर यहाँ बहुत पैसा है। इसके आपके रूममेट्स क्या जॉब करते हैं, जो घर में लड़के और भी हैं? फायर अलार्म में, हाँ जी, सुरजन। अच्छा, आपके कितने लड़के रहते हैं अभी घर में? चार जन रहते हैं, चार। तो चार बेडरूम का हाउस है, चार बेडरूम का हाउस है। थैंक यू प्रभजोत अपना टाइम देने के लिए। जो लड़के आपको देख रहे हैं, कोई ना कोई स्किल सीख कर आए, जैसे शेफ की या कुछ, कौन सी बेकरी में, हॉस्पिटैलिटी में आ सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, इंडिया का चलता है एक साल, UK में चलता है एक साल, उसके बाद आपको यहाँ का अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर ईजिली बन जाता है। तो यहाँ की पुलिस कैसी है, फ्रेंडली है? फ्रेंडली है। और टैक्स सिस्टम कैसा है यहाँ पर? हाँ, UK में 20% टैक्स देना पड़ता है इनकम काट के, और पब्लिक यहाँ फ्रेंडली है, तो सब कुछ ठीक है, मैंने डरने वाली की बात नहीं। तो जिसको न्यूजीलैंड आना, बिंदास होकर आए ना, आप ऑस्ट्रेलिया घुमाए एक बार, देखो लड़का कितना मेहनती है, कितने पैसे कमाते हैं, और सच में बहुत अच्छा लड़का है। गाइस, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, अगर आपको न्यूजीलैंड आना है वीडियो कमेंट कीजिए, आपकी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। आप एक CV कलर बनाकर ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। अगर ये लड़का कोरियर की जॉब कर 2 साल का छोटा सा कोर्स करके यहाँ पर 7-8 हज़ार न्यूजीलैंड डॉलर कमा रहा है, तो आपको क्या हुआ? तो गाइस, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच प्रभजी, थैंक यू।